हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ, जिसमें विजय केडिया जो कि एक जाने माने इन्वेस्टर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने परसेंटेज में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। और आज बजट का भी दिन है और अगर वो शेयर नीचे आता है तो शायद आप उसमें पोजिशन बना सकते हैं, मतलब ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर परस्पेक्टिव। ज़्यादा कीमत भी नहीं हो शेयर की। तो ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ आप ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल में यहाँ पर सुने कभी कभी होता है कि नहीं आती आवाज़। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। एक लिंक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, नंबर वन ब्रोकिंग फॉर्म है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है। और वैसे तो मैं ट्रेडिंग को नहीं प्रमोट करता, बट स्टिल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर इसमें अकाउंट ओपन कराते हो 30 डेज़ के लिए फ्री में आपको आपकी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। एज वेल एज एक नीचे डिस्क्रिप्शन में और लिंक है, उसमें श्री राम जी का जो मंदिर बनाने के लिए जो मुहिम चल रही है, एक मुहिम हमने भी शुरू करी है, यहाँ पर ये लिंक है, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा। और आप जितना चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से आप की अपनी इच्छा के अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं और जन्मभूमि में मंदिर बनाने का काम और तेजी में अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ रिटर्न। देखिए कंपनी को लिस्ट, वैसे तो मार्केट में कंपनी लगभग लगभग 10 साल से है, बट स्टिल अगर बात की जाए कंपनी का परफॉर्म शेयर मार्केट में कितने टाइम से है, तो कंपनी को लगभग 3 साल होने वाले हैं, 3 साल अभी तक हुए नहीं है, कह सकते हैं 2.5 ईयर हो गए हैं। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। अगर वन डे का परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगभग देखिए 5%, वन वीक का देखा जाए लगभग 22%, वन मंथ 3%, थ्री मंथ्स में देखिए लगभग 86% के रिटर्न दिए, सिक्स मंथ में 77, और अगर एक साल की बात की जाए तो केवल 7% के रिटर्न, और टू ईयर की बात की जाए तो नेगेटिव में ही आपको रिटर्न मिले हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, ओके मुझे जो लगता है, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं तो देखिए कंपनी जो शेयर का प्राइस है केवल 77 रुपीज़ है, और लगभग 5% की यहाँ पर जंप देखी गई है, अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है जब से न्यूज़ आई है, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव डेज़ का चार्ट पैटर्न देखिए, अपर सर्किट में ही लगभग ये काम कर रही है। वन मंथ देखिए अपर सर्किट, ऊपर से नीचे भी अपर लोअर सर्किट में आई थी। सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, अपर सर्किट और में और बट नीचे से ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। एयरटेल डेट देख लीजिए, अगर वन ईयर की भी बात करें तो वन ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, लगभग 20 रुपये का शेयर हुआ करता था और अभी लगभग 77 रुपीज़ का शेयर है। और अगर हम यहाँ पर देखें ना तो कितना, तो लगभग 350% के रिटर्न इसने अपने मार्च लो से यहाँ पर दे दिए आपको। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी लगभग 113-114 रुपये पर यहाँ लिस्ट की थी, और यहाँ पर से देखिए फिर यहाँ पर से गिरावट हुई, तब से कंपनी इस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर आपको गिरावट, और फिर जब पेंडामिक आया तो और गिरावट, और गिरावट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से इसने अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है, पूरे सेक्टर ने ही परफॉर्म किया है, इस वजह से इस कंपनी ने ही परफॉर्म किया है। और कंपनी का नाम तो मैं आपको बता नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE NSE बल्क डील, विजय केडिया बाइज स्टेक इन एफोर्डेबल रोबोटिक। तो ये जो शेयर है इस कंपनी, ये आपको एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड है। ऑटोमेशन मींस आपका जो ऑटो से रिलेटेड है उसमें ये रोबोटिक के थ्रू या R&D करते हैं। एज वेल एज अगर बात की जाए ये केवल आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही मिलेगा, NSE की साइट पे आपको मिलेगा भी नहीं। कंपनी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए कंपनी पूना बेस्ड कंपनी है, ओके एज वेल एज बात की जाए तो लीडिंग इन ऑटोमेशन वर्ल्ड है फ्रॉम मोर देन अ डेकेड, तो मतलब 10 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी को हो चुके हैं। और सर किस किस में काम करती है, ऑटोमेशन, नॉन ऑटोमेशन, जनरल इंडस्ट्री है, ऑल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर, ओके तो ये इन सेक्टरों में काम करती है। एज वेल अगर बात की जाए बहुत अच्छा इनका कस्टमर बेस भी है, इंडिया, चाइना, एशिया के अलग अलग पार्ट्स में, ओके मतलब ये एक्सपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज़ में भी काम करती है। तो जो ये कंपनी है इज़ अ टर्की ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमेशन नीड्स सच एज
लाइन ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, कॉन्वे रोबोटिक इंस्पेक्शन स्टेशन, पिक एंड प्लेस सिस्टम, गैंट्री। ओके, तो ये जो भी काम आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, स्पॉट, मेक, टेक, वेल्डिंग, तो ये सारे के सारे काम ये कंपनी करती है। और इस कंपनी में जिस तरीके से ये लिख रहा है ना, अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, मतलब रोबोट से रिलेटेड ये कंपनी डिजिटली भी काम करती है और आगे चल के अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। और ऑटोमेशन सेक्टर में ऑलरेडी बूम आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही है, और एज वेल एज इलेक्ट्रिक कार की भी बातें हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है। तो ये शेयर आगे चल के आपको और ज़्यादा भाग भी सकता है, और अपने लो से काफ़ी नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ विजय केडिया। तो विजय केडिया ने लगभग कितना, तो अगर आप यहाँ देखेंगे 137,600, ओके, ये शेयर मतलब 1.35% के स्टेक्स तो खरीदे ही खरीदे हैं। ओके, किस भाव से, 76.98 लगभग, जो अभी प्राइस चल रहा है ना, इसी प्राइस पे उन्होंने लगभग 1.35% की स्टेक्स यहाँ पर खरीदे हैं। बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर विजय केडिया की पोजिशन उसी दिन से है जिस दिन से मार्केट यहाँ पर लिस्ट होती हुई आपको नज़र आई है, उससे पहले से ही यहाँ पर उसी दिन से यहाँ पर लिस्ट लगभग 10% की हिस्सेदारी वो ऑलरेडी रखते भी है। तो यहाँ पर आप अगर हम देखते हैं कुछ, देखिए मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा शेयर है, ये रिस्क वाला शेयर है पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैप 78.4 है। तो मतलब ये जो शेयर है माइक्रो कैप है, पी रेशो देखिए 27 है, ओके, बुक वैल्यू 48 है, और जो लगभग 77 पे चल रहा है अभी। आरओसीई भी देखिए 8.52 है, आरओई 5.90 है। तो आरओसीई कुछ खास इसका दिखाई नहीं देता, बट स्टिल यहाँ पर कितना है, 89%। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर देख लिए सेल्स कंटिन्यूस बढ़ती है जा रही है 2017 से। ओके, लगभग जहाँ पर 44 करोड़ रुपए की सेल्स थी वो 18, 19 और 20 में देखिए अभी तक 86.14 हो गई है। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी देखिए 4.616 से अभी घट के 2.22 हो गया है। बट अभी जिस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर पेश किए गए, रिजल्ट जिस तरीके से हमने देखा है कि शेयर भाग रहा है, तो शायद रिजल्ट्स भी अच्छा आए होंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर के सबके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे, इसमें भी अभी मैंने देखा नहीं है रिजल्ट्स, तो अच्छे ही रिजल्ट्स रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जंप होती हुई नज़र आई होगी। अगर बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर 2017 में 6.4 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स थे, वो लगभग अभी 40 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हो गए हैं। बोरिंग भी ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत बड़ी है, लगभग 24 करोड़ की बोरिंग भी है। इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी का है नहीं, बट अगर हम बात करें यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की, तो कंपनी के पास 1.72 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट भी है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए लगभग 4.49 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी है इनके पास। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि मेन है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ प्रमोटर्स देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बल्कि 2 मार्च 2020 में बढ़ाई है, जब से उन्होंने उनका शेयर गिरा है। तो लगभग 61.4 थी, जो कि 61.48 मतलब 0.08% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। DIS की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं DIS ने के पास भी 7.76% की हिस्सेदारी है। ओके, और एज वेल एज अगर बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विजय केडिया। तो विजय केडिया ने कब से, 2018 से, तो 2018 से ही कितने, 10.53% के शेयर यहाँ पर ले रखे हैं। ओके, और अभी अगर हम बात करें यहाँ पर दिसंबर में, तो यहाँ पर अभी लास्ट ही मतलब ये न्यूज़ अभी की है, यहाँ पर देख सकते हो 29 जैन, तो मतलब अभी उन्होंने 1.35% की हिस्सेदारी और ख़रीद ली है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10.53 प्लस में 1.35, तो लगभग 12% की हिस्सेदारी हो जाती है। तो उन्होंने और यहाँ पर ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, तो आप समझ सकते हैं कि तो शेयर ऑल टाइम अपने हाई से नीचे ही चल रहा है। ओके, और जब से नीचे गिरते जा रहा है, और कुछ ना कुछ कंपनी में बात होगी, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, छोटे छोटे शेयर में पैसा लगाते हैं तो और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनकी जो पोजीशन है अभी से नहीं है, इनकी पोजीशन है बहुत पहले से, जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है। और तब से देखिए इन्होंने या तो कंसोलिडेशन फेज़ में गया है, या फिर गिरावट ही हुई है। बट अभी जब ये सेक्टर भाग रहा है, तो ये शेयर भी भाग रहा है, और यहाँ पर देखिए अभी भी वो यहाँ पर लॉस में ही चल रहे हैं, जहाँ से मैं सोच रहा हूँ।
उन प्रॉफिट में वो अभी भी नहीं चल रहे, बट स्टिल उनके पास गट्स है। उन्होंने रख रखे हैं ऐसे शेयर, और ऐसे शेयर वो ऐसे शेयर ही खरीदते हैं और ऐसे शेयर में ही वो पैसा बनाते हैं। अगर उनके लॉस हो जाता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप भी इसमें पोजीशन बनाए तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करें पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिए। तो ये एक पर्टिकुलर शेयर था जिससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के अभी मॉर्निंग में आपको बता रहा हूँ। बाकी बजट है, आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी गिर रही है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार बेचते जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक में शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक लास्ट बात कि अच्छे शेयर में बने रहे और अच्छे शेयर आपको मिलते हैं, बाय ऑन डिप्स करते रहे। ओके, आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है। ओके, 50,000 अभी 50 से 46 आ गया है तो ऊपर ही जाना है। निफ्टी 13 कुछ आ गया है तो निफ्टी को 15,000 भी जाना है, तो इसलिए डरो मत। अच्छे शेयर को बाय ऑन डिप्स करके खरीदते रहिए। तो आज ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने आपका पोर्टफोलियो रेड रहे, बट जिस दिन शेयर भागना शुरू करेंगे अच्छे, तो वो आपको अच्छे अच्छे रिटर्न्स ही पेश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।